हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। हम आज आपके लिए लाए हैं एक और स्पेशल सैंडविच जो स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच है। मैंने ये ब्रेड ले ली है, ब्राउन ब्रेड ली है, और आपको मैं यहाँ बताऊं मैंने तीन पीस लिए हैं। तीनों पीस के ऊपर हम लगाएंगे बटर की लेयर। हल्का हल्का हम इसमें ऐसे बटर लगा देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, इस टाइप से हम सभी ब्रेड्स में, तीनों ब्रेड के अंदर ये ऐसे बटर लगा लेंगे। और हम इसको ग्रिल करने वाले हैं तो ग्रिलर को भी हमने गरम होना रख दिया है, ऑन कर दिया है। इस पर भी लगाएंगे हम ये बटर। तीनों ब्रेड में बटर लग गया है तो यानी तीनों ब्रेड पर हमने बटर लगा लिया है, ये लग गया है अच्छे से। अब हम दो ब्रेड पर लगाएंगे हरी चटनी। ये स्पाइसी हरी चटनी है, चाट वाली हरी चटनी, इसको लगाएंगे। और मैं हर बार आपको बताती हूं कि बटर लगाने से ब्रेड जो है वो सॉगी नहीं होती। अगर आप ऐसे ही चटनी लगा देंगे, वैसे हम ऐसे भी लगा के खाते हैं जब हमें बटर ज्यादा नहीं खाना, बट ऐसे ब्रेड ना सॉगी नहीं होती। तो आप ऐसे चटनी लगाएंगे। और थर्ड ब्रेड पर हम लगाएंगे टोमेटो केचप। बहुत अच्छे सैंडविच लगते हैं ये, बनते हैं तो बहुत यमी लगते हैं। और इस तरह से सब्जियां भी बच्चे खाते हैं, जैसे मैं इसमें आलू, प्याज, कैप्सिकम ये डालने वाली हूं। तो ये देखिए, इस पर हमने लगा लिया है केचप। देखिए, ये सब्जियां हमने स्लाइस करके रख ली हैं। ये बॉइल्ड आलू है जिसको मैंने काट लिया है ऐसे। ये बहुत ज्यादा ना मोटे स्लाइस हैं ना पतले हैं। ये कैप्सिकम को मैंने लंबा लंबा काट लिया है, थोड़ा सा प्याज लंबा लिया है काट के, स्लाइस कर लिया है मतलब। और टमाटर के भी हमने बहुत बारीक ये स्लाइस किए हैं, प्याज के भी हमने बहुत बारीक स्लाइस किए हैं। तो इस तरह से पहले इन पे मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी सभी पे, उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला, हर स्लाइस पे आप डालें ताकि वो अच्छे से उसका टेस्ट आए। और फिर हम डालेंगे काली मिर्च जो मैंने पीस के इसमें रखी हुई है अपने बॉक्स में, इसको स्प्रिंकल करेंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, मैं हमेशा कोल्ड सैंडविच में ये काली मिर्च डालती हूं। ऐसे ही हम ये मसाले जो हैं इन सब्जियों पर डाल लेंगे। बाकी चटनी में हमारा है नमक वगैरह, मसाले, तीखापन है, तो ये हमने आलू पर भी डाल ली है काली मिर्च, और शिमला मिर्च प्याज पर भी, और नमक डालेंगे। नमक देखकर डालिए आप, क्योंकि सॉस में, चटनी में नमक है। और ये अच्छे से इसमें डालेंगे आलू पर चाट मसाला। तो सबसे पहले हम एक हरी चटनी वाले स्लाइस पर थोड़ी सी शिमला मिर्च रखेंगे। उसके साथ थोड़ा प्याज रखेंगे। आप चाहें तो कोई और सब्जी भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके बाद जो ये टोमेटो केचप वाला है, इसके साथ हम एक चीज स्लाइस रखेंगे। इस तरह से इसके ऊपर चीज स्लाइस रख देंगे हम, और इसको टोमेटो केचप वाले इससे स्लाइस से कवर करेंगे। हल्का सा मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और ये हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे हल्का सा, और इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा सा टोमेटो केचप लगाएंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
आपको फिर कुछ भी साथ में कोई डिप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोमेटो केचप है, हरी चटनी है, बहुत यम्मी ये सैंडविच लगते हैं, बनाकर जरूर देखिएगा। केचप लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे टोमेटो स्लाइस, अच्छे से कवर करेंगे पूरा पोर्शन। कितना यमी लगने वाला है, देखकर ही बहुत सुंदर लग रहा है। ये हमने लगा दिए हैं टोमेटो स्लाइस, इनके ऊपर लगाएंगे हम ये प्याज, और सब पर मसाला ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर आप बाद में डालेंगे ना तो फिर मिक्स होने का चक्कर रहता है कि कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा लगता है। ये कर लिया है हमने, और इसके बाद हम इस पर करेंगे चीज ग्रेट। ये प्रोसेस चीज है, मैं क्यूब यूज कर रही हूं, आप अमूल की क्यूब यूज कर सकते हैं, या जो पैकेट आता है उसे भी लगा सकते हैं। तो काफी सारा हम इसमें चीज डालने वाले हैं, क्योंकि ये बॉम्बे स्टाइल सैंडविच है, तो ये हम एक क्यूब पूरा इसमें ग्रेट कर देंगे। देखिए लग रहा है ना यम्मी, और चीज में भी नमक होता है, तो नमक जो है वो आप देखकर ही यूज कीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कोई भी चीज कम ज्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च नहीं पसंद है तो मत डालिए आप, फिर केवल चाट मसाला और नमक डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हमने ये चीज से लोड कर दिया है सैंडविच, और इसको करेंगे अब हम इससे पैक। ये देखिए इसको करेंगे हल्का सा प्रेस, है ना, बढ़िया। अब आप चाहें तो इसमें बटर लगा सकते हैं, नहीं तो आप घी से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। तो हमने, मैं आपको ये दिखाऊं, ये ग्रिलर ऑलरेडी मैंने गरम कर लिया है, देखिए ऑलरेडी गरम है। तो अब हम इस पर घी लगा कर रखते हैं, ये देखिए हमने इसमें घी लगा लिया है, और घी को हम घी वाली साइड से, मतलब इसको ऐसे पलट लेंगे और इसको ऐसे रख देंगे, और इसके ऊपर से भी घी लगाएंगे। बटर जो है मेरा रूम टेम्परेचर पर नहीं था, वो लगाना मुश्किल होता, पहले जितना लगाना था वो मैंने सेंटर में लगा लिया सैंडविच के, इसलिए मैं अब ये घी से बना रही हूं। आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं। तो इसको करते हैं बंद, ग्रिल करते हैं और देखते हैं कैसे हमारा ये सैंडविच बनता है। और अब देखिए ये इस तरह का कुछ हो गया है, इधर से सिक गया है, तो अब हम इसको इधर से पलट के ये किनारा और सेकेंगे, इसका थोड़ा और क्रिस्पी करेंगे और इसको बंद कर देंगे। और ये देखिए ये तैयार हो गया है। एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूं, जो मैं आलू डालकर बनाऊंगी। पहले इस सैंडविच को कट कर लेते हैं, और आप सुन रहे हैं आवाज कितना क्रिस्पी है, स्लैब हमने साफ कर ली है, और ये ब्रेड नाइफ होता है, इससे बहुत आसानी से ही कट जाता है जब भी आप सैंडविच बनाएं। ये देखिए क्या यम्मी सैंडविच है ये। तो एक और हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। ये देखिए हमने दो ब्रेड स्लाइस लिए हैं, इस पर हमने ये पुदीना की दही वाली चटनी लगाई है। ये हम, आप हरी चटनी लगा लीजिए जो भी आपके पास है, हर टेस्ट की अच्छी लगेगी। इसमें हम नीचे स्लाइस रख रहे हैं चीज का, और इसके ऊपर लगाएंगे हम ये लाल वाली चटनी, ये लहसुन की लाल चटनी है। अगर आप खाते हैं तो लगाइए, अगर आप पसंद नहीं करते हैं लहसुन खाना तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा स्पाइसी सा हम सैंडविच बना रहे हैं। ये देखिए जो मैंने पहले बनाया है ना, उसमें भी आप प्याज और टमाटर के साथ आलू की लेयर लगा सकते हैं, बट ये मैं फिर दूसरा आपको एक बता रही हूं। इसमें भी हम नीचे टोमेटो लगाएंगे, काली मिर्च वगैरह सब हमने डाल रखा है, थोड़ा सा हम शिमला मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डालेंगे,
आप कैसे भी काट सकते हैं, आप स्लाइस चाहें तो स्लाइस कट कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। और इसके ऊपर लगाएंगे हम ये चटपटे आलू। और लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज ग्रेट करेंगे हम इस टाइप से। एक क्यूब चीज इसमें भी हम ग्रेट करेंगे, नीचे भी चीज है। आप अगर कम खाते हैं तो स्लाइस स्किप कर सकते हैं। यकीन मानिए ये बहुत बहुत यमी लगने वाला है। हम इस पर चीज ये चिली फ्लेक्स नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो लहसुन की चटनी है वो बहुत स्पाइसी है। और अब लास्ट में हम टोमेटो केचप लगा करके और इसको स्लाइस को जो है पैक कर देंगे। ये देखिए ऐसे, और इसको हल्का हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे ताकि वो जो है मिश्रण है ना ये बाहर ना निकले। और घी लगाकर इसको करते हैं ग्रिल। हमने इसमें ग्रिलर में रख दिया है, ये मेरा बोरोसिल का है, मैंने इसमें आपको रिव्यू दिया हुआ है और बहुत अच्छा है। तो अब ये जो सैंडविच है इसको हमने उलट पलट कर सेक लिया है, आलू वाला, इसको भी अब हम कट कर लेते हैं। और क्रिस्पी तो आवाज आप सुन रहे हैं, और ये फुली लोडेड है चीज से। इसके करेंगे हम अब 4 पीस, छोटे छोटे पीस, छोटी छोटी बाइट करेंगे तो खाने में बहुत इजी रहेगा। चीज बाहर ओवरफ्लो हो रहा है, ये देखिए, वाओ लवली। ये आपको दिख रहा है मैं कट कर रही हूं तो? आई थिंक मेरा थोड़ा साइड में हो गया। ये मैं कट कर रही हूं स्क्वायर पीसेस में। और ये देखिए यमी, ये पोटैटो वाले हैं और फुल ऑफ चीज हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कितना चीज है अंदर। ऐसे ही हमने ये बनाए हैं जो 3 ब्रेड के सैंडविच से हैं, बहुत कमाल है। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स ये हमारे 2 तरह के सैंडविच तैयार हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कितने यमी कितने टेस्टी हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो दूसरे ट्राई कर लीजिए, बहुत यमी क्रिस्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।